झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीमेंट कारोबारी के मुनीम से बाइक सवार तीन बदमाशों ने 19 लाख रुपए लूट लिए। झांसी के मिशन कंपाउंड निवासी सीमेंट कारोबारी अजय साहू एसीसी सीमेंट के झांसी और जालौन के स्टाकिस्ट हैं। उन्हें जालौन जनपद के कोंच कस्बे के सीमेंट कारोबारी संजय अग्रवाल से 19 लाख रुपए लेने थे। अजय साहू ने अपने मुनीम दीपेंद्र सिंह परमार को रकम लेने के लिए भेजा। दीपेंद्र मुनीम रकम लेकर शाम के करीब 6 बजे कोंच से निकला। कोंच रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक एक बाइक पर सवार तीन लोग पहुंचे। उन्होंने दीपेंद्र मुनीम की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। एक राहगीर के द्वारा अजय साहू को फ़ोन पर इस मामले की जानकारी लगी। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस के आला अफसर पहुंच गए। वहीं झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। हुआ है क्या पूरा प्रकरण है? झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत शाम को एक घटना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो कोंच क्षेत्र है, जो जालौन में पड़ता है, जालौन जनपद में, वहाँ से एक व्यक्ति से अपना पूरा कलेक्शन का पैसा लेकर हमारा झांसी बॉर्डर एंटर किया है। एंटर करने के पश्चात इनको रास्ता पूछने के बहाने से एक मोटरसाइकिल से जो आए हुए व्यक्ति लोग रोके थे, रोकने के बाद इनको रास्ता पूछते पूछते इनका आंख में मिर्ची डाल दिया। मिर्ची डाल के इनको जो पीछे बैग टांग के ले आए थे, उस बैग को लेके फरार हो गए थे। व्यक्ति से पूछते में ये पता चल गया कि उस बैग में लगभग 19 लाख का बताया जा रहा है। अभी घटनास्थल पर मैं और DAG रेंज महोदय भी विजिट कर चुके हैं। वादी से भी पूछताछ हो रही है, कहाँ से कितना पैसा निकाला है और ये सब चीज़ें छानबीन की जा रही है। इस घटना को खुलासा करने के लिए 3 अलग अलग टीम बनाई गई है। कुछ चीज़ें विरोधाभास बातें बोली जा रही है, बट हम मान के जा रहे हैं कि ये जो घटना है, हम खुलासा करने के लिए पूरा टीम लगा रखे हैं, जल्दी खुलासा भी कर लेंगे। सर, बाइक पर कितने लोग थे जो आके पैसे लूट लिए हैं? कि अभी फिलहाल पूछताछ में ये बताया जा रहा है कि 3 लोग आए हुए थे, और ये भी अभी नहीं बता पा रहे हैं कि कोंच की तरफ से आए थे या किस तरह आए थे। और क्योंकि इनका आंख में मिर्ची पड़ गई थी, तो इनको वादी का कहना है कि सही जगह नहीं बता पा रहे हैं किस तरह भागे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, हम लोग पूरा घटना का छानबीन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी खुलासा हो। किस थाना क्षेत्र की घटना बताइए? जैसे मैंने बताया कि ये पूंछ थाना है, जो बिल्कुल जालौन और झांसी का बॉर्डर पड़ता है, और घटना लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी है हमारा जालौन बॉर्डर से। किस चीज़ का पैसा था, ये जानकारी मिल पाई है सर? अभी जैसे पहले ही बताया था मैंने कि एक व्यक्ति से कलेक्शन का पैसा लेके आ रहे थे। ठीक सर। कहाँ से आ रहे थे आप, क्या घटना घटित हुई? कौन से आए हैं, पेमेंट ले, हम मार्केटिंग करते हैं, कौन से आए हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसी वारदात हुई। कितने बजे? कौन से निकले, करीब 4:50 समथिंग जी। और यहाँ आए सामने से। आप किससे थे? बाइक से था मैं, टू व्हीलर बाइक से। हाँ, और तो आँखों में मिर्ची फेंकी। किसने? सामने से एक गाड़ी आई हुई है, 4-व्हीलर या 2-व्हीलर? 2-व्हीलर है, अपाचे। उसने आंखों में एक हेलमेट लगाए हुआ। कितने लोग थे? 3 लड़के थे, एक ही बाइक पे 3 लड़के थे। तो लड़के जो चला रहा था वो हेलमेट वगैरह वो मुंह कवर कर रखा था, और बीच वाला भी कवर ऑलमोस्ट सभी कर रखे थे, और जो बीच में था उसने अचानक से फेंका आंखों में, और जस्ट जैसे ही फेंका मिर्ची उसने, और दिखना बंद हो गया मुझे। कितना कैश लिए थे आप? 19 लाख रुपए कैश था मेरे पास। पूरा ले गए जी? कहाँ को गए, किस तरफ गए? उसके बाद मेरी आँखें ही नहीं खुली हैं, क्योंकि मिर्ची आँखों में इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखने के बाद भी आँखें नहीं खुल रही थी। आपने क्यों गाड़ी, आपने क्यों रोक दी गाड़ी एकदम से अचानक? नहीं, गाड़ी नहीं रुकी है। फिर उन्होंने क्या किया, असला वगैरह लिए थे, हथियार लिए थे क्या? हमसे ऐसा किया, इशारा किया एक हाथ दिखाने का, ऐसे वो सामने से आए। हाँ। तो हमने ऐसे पूछा भी, स्पीड अपनी छोड़ के ऐसे पूछा भी।